गुलबर्गा शहर में आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के महिला मोर्चा के सदर श्रीमती लता राठौड़ और श्रीमती शीला काशी मेंबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के खिलाफ जमकर बरसा और कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा वाले श्री प्रियंक खड़गे के हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट 40% कमीशन लेती है और खवातीन को गवर्नमेंट नौकरी होना है तो इलीगल रिलेशन के लिए यूज करते हैं, ये इश्यू को लेकर हंगामा कर रहे हैं, शीला मैडम और लता राठौड़ मैडम ने कहा। और आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए ये इश्यू को बड़ा कर रहे हैं। वैसे तो प्रियंक खड़गे साहब ने सारे खवातीन को नहीं कहा, इसमें कुछ खवातीन को कहा है। बीजेपी MLA और मिनिस्टर ऐसा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग न्यूज देखे होंगे, कहा। आइए देखते हैं और मजीद उन्होंने क्या कहा कि प्रियंक खड़गे जी ने दो थोड़े दिन पहले एक बात की थी, इस सरकार के जो भी चल रही है आजकल के सरकार में स्टेट कर्नाटक सरकार में लंचा मंचा बोले तो कमीशन दिए तो नौकरी लगेगा और औरत गलत काम करे तो औरत को नौकरी, ऐसा उनका बाप बोलना मतलब था कि उन्हों बोलने के मतलब के पीछे एक हकीकत सच्चाई भी है। उन्हों प्रियंक खड़गे जब भी बात करते हैं बगैर सच्चाई के कभी भी कुछ भी नहीं बोलते। ये सरकार में जो जो लोग करे हैं, मिनिस्टर्स होके करे हुए हैं, MLAs होके करे हुए हैं, औरतों को लालच दिए सो काम करके नौकरी लगा तो बोल के लालच दे के इन्होंने कुछ औरतों को अत्याचार किए सो केस ना नहीं, इसी के वजह से उन्होंने ये बात किया कि लंचा मंचा था सरकार। ये नहीं कहा कि हर औरत को ये काम करे तो ही नौकरी मिलेगा, ऐसा तो नहीं किया प्रियंक खड़गे ने, कुछ लोगों ने ऐसे कर रहे हैं ऐसे तो उन्होंने बोल दिया है। तो इसी के लिए महिला बीजेपी के मोर्चा वाले इशू बनाकर इसी को एक चुनाव प्रचार का प्रचार लेना चाहते हैं, चुनाव के लिए प्रचार लेना चाहते हैं, ये हम समझते हैं। इनो प्रियंक खड़गे के सामने ठहर के बात करने का वो उतना कैपेसिटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि नॉलेज वाले प्रियंक खड़गे हैं, बहुत पावरफुल लीडर है वो, उनको कमज़ोर कैसा करना है, यही एक इशू पे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रियंक खड़गे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, माफ़ी कैसे मांगते हैं पता है, अगर मैंने कुछ कहा है मेरे कहने से अगर कर्नाटक स्टेट के हर औरत को तकलीफ हो रही है मेरे बात को तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, ट्विटर किया है उन्होंने। तो महिला मोर्चा के बीजेपी महिला मोर्चा वाले जब तुम इसी बात को लेकर हम क्या बोलते हैं वो घेराव डालेंगे, हम 10,000 लोगों को लेकर घेराव डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, ये एक इलेक्शन का ट्रेंड है, इलेक्शन ट्रेंड है, अब आने वाले चुनाव का ट्रेंड है, इसलिए हम ये बात को नहीं मानते हैं। और हम कांग्रेस महिला मोर्चा वाले अब उन्होंने कहा है कि 10,000 महिलाओं को लेके हमने घेराव डालने वाले हैं, ठीक है डालिए आप घेराव, आप 10,000 लाएंगे तो हम उससे ज़्यादा लाएंगे औरतों को, हम भी जागृत करेंगे भाई, हम भी हमारे लीडर क्या हैं, हमारे लीडर क्यों बोले, किसके लिए बोले, ये सब लोकतंत्र में राजकीय में चुनाव के वक्त ट्रम्प कार्ड, बीजेपी ट्रम्प कार्ड, कभी कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ट्रेंड लेते हैं, कभी कभी इन्होंने कुछ बजरंग दल का साथ लेते हैं, कभी कभी इन्होंने राम का साथ लेते हैं, जब जब भी अधिकार जब जब चुनाव आते हैं तब तब इनका क्या रहता है भाई, कोई ना कोई बिला वजह सबूत नहीं सो एक नारा रहता है विदाउट सबूत। आप तो जानते हैं 15 साल पहले ये 7-8 साल पहले जब बीजेपी सरकार ने 15 लाख चाहिए क्या नहीं चाहिए, 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए क्या नहीं चाहिए, अच्छे दिन चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन से अच्छे दिन, कौन सा पेट्रोल, कौन सा 15 लाख, ऐसा हिजाब, वो आप क्या समझो वो अजा ट्रिपल तलाक, ये सब क्या है भाई। इसके बाद उनका टारगेट स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं कर्नाटक के, कर्नाटक स्टेट में वो कहते हैं प्रियंक को हराना है, प्रियंक को क्यों हराना है भाई तुमको, क्योंकि पार्लियामेंट में असेंबली में जो तुम्हारा सवाल करते हैं प्रियंक खड़गे आपके हर एक गलतियों को निकाल के क्या दाखलाती समय था तो प्रूफ के साथ उन्होंने जो जाहिर करते हैं असेंबली के अंदर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका सच्चाई, आपके जो गलतियाँ आप तो वो क्या बोलते हैं हिटलर राज की करना चाहते हैं, सिंगल कोई पूछने वाला नहीं चाहिए उसके लिए प्रियंक, कुछ भी नहीं होता, सीतापुर की जनता होशियार है,
चितापुर की जनता प्रियंका खड़गे का हाथ नहीं छोड़ती, उन्होंने करे सो अच्छे अच्छे काम, उनका साथ देते हैं कहते हुए मेरे दो बात ख़त्म करती हूँ जी। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, चितापुर से हूँ, चितापुर म्यूनसिपल्टी काउंसलर 4 बार की हूँ, 1 बार म्यूनसिपल्टी प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ, 1 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ, और इस वक्त मैं प्रेजेंट काउंसिल मेंबर शीला काशी। थैंक यू।